तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ भगवान जगन्नाथ जी के धाम अर्थात पुरी, वो भी मात्र 380 रुपए में। लेकिन ये जनरल का किराया है, स्लीपर के लिए तकरीबन 650 और थर्ड एसी के लिए 1700 रुपए लगेंगे। ये रहा मेरा दोस्त रोहित दादा, या आप इन्हें रोहित भैया भी कह सकते हैं। हाँ जी, ये रहा मैं पद्मपति सिंघानिया, जिसने अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे उसके घर वाले प्राउड फील कर सके। अपने होम टाउन भरुआ सुमेरपुर से ट्रेन पकड़ के हम आ जाते हैं कानपुर सेंट्रल। लेकिन उसके पहले हमारे रोहित भैया को वो वाली पैंट खरीदनी है जिससे वो अपनी टांगों का प्रदर्शन दुनिया के सामने कर। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि हमारे भाई साहब की शॉपिंग नहीं हुई है। स्टेशन के बाहर ही भाई क्या मस्त बांसुरी बजा रहे थे दादाजी, है ना? मेट्रो बन रहा है भाई, मेट्रो चलना भैया। ओ भैया बड़ा चल रहा। हाँ भैया बैठ गए, चलो। अरे बहन जी हटिए हमारी विमान के सामने से, हमें लेट हो रहा है भैया, सामान खरीदने जल्दी हटिए। तो भैया जी जेड स्क्वायर बहुत बहुत ही प्यारा सजा हुआ था, है ना? देखो चाहे तुम लोग। हाँ भाई लखनऊ के ट्रेन से अच्छे हैं, यहाँ तो सब छोटे छोटे हैं। मोहतरमा कितना पैसा हुआ भैया, थोड़ा जल्दी चलाओ स्टेशन जाना है। अपनी ट्रेन भी आ गई, अपना मिरिंडा भी आ गया, सामने देखिए ट्रेन 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 ट्रेन। देखो भाई सब कितने बंदर यहाँ पे, यही वाली ना। एंड वी आर फाइनली बोर्ड। यहाँ रोहित दादा व्लॉगिंग करते हुए हमारे सुनन टोपा भी लगा लिया है। बढ़िया चाय है ना अंकल जी? अंकल जी चाय बढ़िया रहेगी? हाँ बढ़िया चाय, चलो बहुत बढ़िया चाय चाय चाय। ठीक है ठीक ठाक है, दादा के अनुसार चाय ठीक ठाक है। पैसा बहुत दे दिया तुमने उसको। भाई ये है जायस स्टेशन और चैन पुलिंग की है, चैन पुलिंग हो गई है। भैया लोग ट्राई कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा मुझे ध्यान दिया फिर तो हम नहीं ठीक करते। कम लग रहा है ना, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों रोहित दादा कुछ समझ में आया क्या? आया कुछ समझ में नहीं आया। ओके भैया आए तो चले गए सही करके, वो सही हो गया। अब पता नहीं मैं देख नहीं पाया, वो भैया आए थे उन्होंने कुछ यहाँ से किया, चाबी लिए थे एक भैया आए थे एक वाले होंगे। तो ये हैं लोको पायलट वाले भैया। सो फाइनली ट्रेन फिर से स्टार्ट हो गई है, करीब 10 से 15 मिनट से स्टॉपेज यहाँ पे हो गया उन भैया के चक्कर में। ये रहा जायस स्टेशन, ये रहा मैं रोहित दादा, ये रहा हमारे टोपा। अरे मिर्ची पकौड़ा वाले भैया, भैया जी इनसे मिलिए, ये हमारे दोस्त गुप्ता भाई। तो बहुत दिन बाद हमारा ये दोस्त मिला है भाई। कितने दिन हो गए हम लोग को मिले? 6-7 साल। 6 साल नहीं भाई, अरे हाँ भाई 6 साल से कम नहीं हो रहा। 2014 मुलाकात है, नहीं 2016-17। खाओ तुम भी। नहीं भाई मेरा गला सही नहीं, इसलिए नहीं खा रहा हूँ। अरे गला तो हमारा भी सही है, भूख की बात है ना, तुम खाओ खाओ। एक और छोड़ दीजिए। थाली मंगाई है हम लोगों ने, वक्त हो चुका है रात का, कितना बज गया भाई? 8 बज गया है। तो ये दाल है, ये क्या है? आलू छोला की सब्जी। ये वो है चावल अपना, और यहाँ पे भैया बता रहे थे पनीर की सब्जी रहेगी, पनीर सब्जी है, रोटी है या पराठे हैं, उसके बाद खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे बाद में। जाओ मैं अंदर अंदर चला जाएगा, कहाँ जहाँ जाना है। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, और आज हमारे यात्रा का दूसरा दिन है।
शायद मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये ट्रेन जर्नी इतनी भी आसान नहीं है। इसमें हमें लगेंगे 29 घंटे और ये ऑफिशियल टाइम है, जिसमें अभी ट्रेन भी तो लेट होगी ना भैया जी, जो कि हमें तकरीबन 35 घंटे का सफर करना पड़ेगा। सुबह 7 बजे हम लोग हिरोडी में चाय रहते समोसे। इतनी अच्छी लोकेशन के साथ चाय और समोसे एंजॉय करते हुए हम कब बोकारो पहुंचे पता ही नहीं चला। पहुंच चुके हैं बोकारो स्टील सिटी। ट्रेन के इस सफर के दौरान हमने पुण्य भी कमाया, बताता हूँ कैसे। ट्रेन में बहुत लोगों के पास कंफर्म सीट नहीं थी, तो हमने उन्हें बारी बारी से अपनी सीट में आराम करने के लिए दिया। सूख गई भाई, ये भी सब सूख गए नदी। सब जितनी भट्टियाँ हैं सब कोयले की भट्टी यहाँ पे लगी हुई और फिलहाल हम लोग शायद बंगाल में हैं। तो भैया जी, जैसे हमारी तरफ खदानें होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोरम वगैरह की, यहाँ पे खदानें हैं इसकी, कोयला की, देख रहे हैं। ये देखिए, कोई भी ट्रेन ट्रक ट्रैक्टर कुछ भी निकलता है सब में कोयला, देखना कितना सारा कोयला यहाँ से वहाँ तक, देखो कोयला ही कोयला भाई। ये अब खत्म हुई कोयले की खदान, देख रहे हो यहाँ ये सब कोयला डंप। भाई कोयला डंप है भाई, ये कोयला का डंप है ये। हाँ तो भैया जी, फिलहाल है हम लोग बंगाल के हिजली में और अभी तक हमने 2 स्टेट कवर किए हैं, यूपी बिहार, उसके बाद हम वेस्ट बंगाल में, झारखंड भी कवर किया है, इससे वेस्ट बंगाल में हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ का ये स्टेशन है हिजली। एक चीज़ मैंने गौर की यहाँ पे ना, यहाँ के स्टेशन सब बड़े बड़े हैं, कुछ भी हो रहेंगी भले ही मालगाड़ियाँ, सवारी गाड़ी नहीं है, लेकिन स्टेशन सब बड़े बड़े। ढलती शाम का इशारा चाय की तरफ हो रहा था और हमने चाय ली। चाय पिया रखा, चाय 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 डालो फिर इसमें। कितने तक मिला? 30-60, 30-90, 10 रुपए का है। 30 रुपए का 40 रुपया खुद मैं देख लिया करा, उस हिसाब से लिखा था कि हमारे पे सामान दे जाएगा। भाग गया चूहा था ट्रेन में भाई, बहुत बड़ा चूहा। तो भैया जी, बैग पैक करके हम निकल आए हैं पुरी के लिए और कल बैठे थे दोपहर 1:30 के आसपास कानपुर से और अभी 11:30 बज गए हैं और अभी तक पुरी नहीं पहुंचे हैं। देखो कब तक पहुंचते हैं पुरी और देखो क्या होता है, कहाँ रहना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। अभी सामने जो भैया दिख रहे हैं, बहुत चाय खिलाई है और खाना खिलाया है इन्होंने। अब तो उतरेगा आप, चालू कर रहा था। हाँ शुरू कर दिया, अभी अभी ले लिया। ओके चलो चले, कहाँ चलना है, कहाँ चला जाए भैया? चलो जो खाते हैं। सही बात, चलो भैया खाते पीते करते। तो भैया जी, कुछ ये हाल है इस समय पुरी का और इतने भीड़ इस समय स्टेशन में। हम भी देखते हैं अपना ठोस ठिकाना, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता अभी। रात में तकरीबन 1 बजे हम पहुँचते हैं पुरी। भूख बहुत ज़ोर से लगी तो आ जाते हैं स्टेशन के बाहर खाने की तलाश में। मौसम को पता नहीं क्या होता है, एकदम से पानी बरसता है, ना हमें खाना मिलता है और ना ही होटल। तो हम लौट के वापस स्टेशन आ जाते हैं। अब मुझे कुछ ऐसे लेट गए हैं, सब बारिश हो रही, बारिश ये कह रहा था कि तूने गर्मी में प्लान किया वो इस जगह, ठंडी जगह चलते गई नैनीताल वगैरह, और यार ठंडी लग रही है बहुत जोर से। तो क्या बोलते हैं इसको, अबे क्या आई है, भूल गया मैं इसको, बता दे भाई इसको क्या बोलते हैं, कंबल कंबल सब लोग कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, अब चढ़ा जा रहे हैं और सुनना जा रहा है सुबह जाएंगे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने। तो आपसे मिलते हैं कल।